ये एक जेन्युइन काज है, इसके अंदर डट के खड़े हैं, छाती तान के खड़े रहे ताकि हम इस स्टेटस को हासिल कर सकें। भाजपा से उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं, वो नहीं देंगे तो और कौन देगा। गुलाबगढ़ को पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी मिलना चाहिए, आपके अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो भी बिल्कुल जीरो है। अब मुझे बताएं कि जिस जगह का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, मैं सोचता हूँ कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक डिज़र्व करता है कि रियासी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मैं रियासी की बात नहीं, मैं कहता हूँ डोडा को भी मिलना चाहिए, किश्तवाड़ को भी मिलना चाहिए, रामबन को भी मिलना चाहिए। चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई है और इस मार्फत रियासी के PWD डाक बंगले में एक बैठक हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट होगी। इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता इम्तियाज अहमद बानी जी हैं। बानी जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है, सफलता मिलेगी और रियासी को भी जो पहाड़ी रिजर्वेशन है रियासी के लोगों को भी मिल पाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। क्या कुछ करने जा रहे हैं आप इस मूवमेंट में? जी देखो, आज शुरुआत की हमने यहाँ पर रियासी के अंदर हमारी पहली मीटिंग होने के लिए, और इस मूवमेंट में हमने तमाम पार्टियों को हमने इन्वाइट किया था कि इसके अंदर सारे शमूलियत करें अपनी, क्योंकि ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। यहाँ पार्टी को अलग रख के साइड के ऊपर और इस मुद्दे को हमने हाईलाइट करने के लिए अपने तमाम जितने लोग हमारे थे जो आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और यहाँ पे डिसाइड, बीजेपी के लोग भी आए थे सत्ता में जो लोग हैं वो? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि जो बड़े ओहदों वाले लोग थे जिनको हमने MLA बना के रखा या MS बन के बैठे हुए हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इसको DDC चेयरमैन वगैरह कहते हैं, मैं वो लोग बड़े लोग नहीं आए थे, लेकिन है कि उनके वर्कर्स जो थे उनको यहाँ पे शमूलियत रही, यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन भी आए थे, वाइस चेयर, हाँ बिल्कुल DDC वाइस चेयर। लेकिन भाजपा के लोगों के मैं सवाल पूछ रहा हूँ पर्टिकुलर, वो आए थे, उनके वर्कर भी आए थे या नहीं? वो जी देखिए, इस मीटिंग के अंदर सारे शामिल थे, आज जो मीटिंग हुई यहाँ पे शामिल थे, NC के वर्कर भी थे और क्या बोलते हैं इसको PDP के भी थे, भाजपा के भी थे, सारी तमाम पार्टियों के वर्कर यहाँ पे। चलिए, अब क्या लगता है कि भाजपा द्वारा रियासी जिले को शामिल किया जाएगा, रिजर्वेशन दी जाएगी पहाड़ी रिजर्वेशन यहाँ के लोगों को, या फिर लंबी लड़ाई आपकी होने वाली है? देखिए, मैं जिस हद तक मैं देखता हूँ कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ा कुछ 70 साल पुराना ये सिलसिला है, अभी तक उसी हाल में जी रहे हैं। यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं यहाँ पर जो आज भी बेसिक फैसिलिटी से बड़े महरूम हैं वो लोग, उनको आज भी उनके घरों के अंदर बिजली नहीं है, उनके एजुकेशन सिस्टम आप देखा जाए तो वो भी बिल्कुल ज़ीरो है। अब मुझे बताएं कि जिस जगह का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, मैं सोचता हूँ कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक डिज़र्व करता है कि रियासी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मैं रियासी की बात नहीं, मैं कहता हूँ डोडा को भी मिलना चाहिए, किश्तवाड़ को भी मिलना चाहिए, रामबन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई किसी तरह का फैसला लेती है तो मैं सोचता हूँ कि एक फैसला लिया जाता है वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक कम्युनिटी या एक जगह पर आप ले कर ना चलें, ना आप जो भी इम्प्लीमेंट करना है आपने पूरा सबको ले कर साथ में चलें। और एक बंद कब लगता है आपको ये शुरुआत हुई है और भी डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया जाएगा या फिर सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट तक ही ये सीमित रहेगा? नहीं नहीं, मैं मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश है सरकार से कि जो भी फॉल करता है इसके अंदर, जो भी डिजर्व करता है उसको ये रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो रियासी जिला डिजर्व करता है, रियासी जिला बिल्कुल डिज़र्व करता है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी मिलना चाहिए पहाड़ियों को, जो गुलाबगढ़ है, मैं सोच रहा हूँ गुलाबगढ़ को पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी मिलना चाहिए, आपके अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेकिन इतनी कम आबादी में डिस्ट्रिक्ट देना थोड़ा मुश्किल नहीं? देखिए, ये एक सरकार का काम है, उनको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है ये उनका काम है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनता है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कम से कम उन लोगों को वो फैसिलिटी तो मिले कम से कम, जिससे हम लोग सिटी के अंदर रहने वाले लोग ले रहे हैं, जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, कम से कम उनको वो कम से कम एजुकेशन सिस्टम ही सही हो जाए उनका, बाकी फिर तकदीर वो खुद बना लेंगे। तकदीर बिल्कुल खुद इंशाल्लाह बिल्कुल बनेगी, आपका एजुकेशन सिस्टम अगर सही रहेगा आपके IAS बनेंगे, आपके KS बनेंगे। अब किस तरह से अगर आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, आप पहले RBA आप 20% था उसको 10% कर दिया, मुझे बताएं कैसे ये किस तरह से सिस्टम चलेगा इनका? ये एक बड़ी गलत बात है, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए
कि इनका जो हक बनता है ये हक इनको मिलना चाहिए। और हमारा इस रिज़र्वेशन को लेके, पहाड़ी रिज़र्वेशन को लेके हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है कि ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। वो इसके अंदर आप तमाम पार्टियों और तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम एनजीओ से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब इसके अंदर शमूलियत करें। ये एक जेन्युइन काज है, इसके अंदर डट के खड़े हैं, छाती तान के खड़े रहें ताकि हम इस स्टेटस को हासिल कर सकें। आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते आपको क्या उम्मीदें हैं गुजरात इलेक्शन से, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से और दिल्ली एमसीडी से? देखिए, मैं आज के इससे आप वही बात आ गई कि यहाँ पे आज जो जिस तरह की आज की ये मूवमेंट थी, इस मूवमेंट के अंदर वो बात तो हमने आपसे कर ली। अब एक अलग सवाल आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं, आप जिले के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं तो उस नाते आपसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है आप? देखिए, इस स्टैंड के ऊपर जहाँ पे आज हमारी मीटिंग हुई है, मैं यहाँ पे इसके बारे में पॉलिटिकल बयान नहीं, हाँ पॉलिटिकल कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बड़ी एक लंबी लड़ाई, क्या पता आप कितना वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद जो है हमें, हम उम्मीद भाजपा से उम्मीद है, हाँ जी उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं, वो नहीं देंगे तो और कौन देगा। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो रियासी जिला जो है वो फॉल करता है और रियासी जिले को उसके अधिकार मिलने चाहिए और जल्द से जल्द पहाड़ी रिजर्व जो है रियासी जिले में भी लागू होनी चाहिए। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।